नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो रणभूमि लाइव में। यूपी चुनाव के पहले दौर के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचारी युद्ध है। अभी आप ठीक मेरे पीछे लगी घड़ी देख रहे हैं, देख सकते हैं आप जो वक्त ये घड़ी बता रही है, यानी कि सुबह के 8 बज चुके हैं। सिर्फ 10 घंटे अब बहस बाकी है जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। और दूसरी तरफ आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि पहले दौर का प्रचार थमने में कितना वक्त बचा है, यानी कि अब से ठीक लगभग 10 घंटे के बाद पहले चरण का प्रचार युद्ध बंद हो जाएगा। आज का चुनाव प्रचार सबसे खास होने वाला है, क्योंकि आज सभी दिग्गज पहले दौर के 11 जिलों की सभी 58 सीटों पर पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। इस चुनावी रणभूमि की सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। जिन 11 जिलों की 58 सीटों पर आज सियासी शोर थमेगा, उन सभी 11 जिलों में तैयार हैं हमारे रिपोर्टर। लगातार दिग्गजों के बीच से हमारे संवाददाता हर हलचल का अपडेट दे रहे हैं, हर तस्वीर दिखा रहे हैं और सीधे रणभूमि से तस्वीरें आपको हमारे रिपोर्टर दिखाएंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी अनु भी हर बड़ी खबर के साथ मौजूद है। क्या बड़ी खबर अनु आपके पास इस वक्त? बिल्कुल जया, इस तूफानी कवरेज के बीच हर बड़ी खबर एबीपी गंगा की नजर उस पर बनी हुई है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन बाकी पूरे सूबे में कैसा है सियासी माहौल, राजनीति की हर हलचल अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो 9 घंटे 58 सेकंड का वक्त बचा हुआ है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको एक बड़ी जानकारी दे देते हैं। यूपी में आज थमेगा पहले चरण का सियासी शोर, शाम 6 बजे खत्म होगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान है। 10 फरवरी को 58 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर में थमेगा प्रचार और आगरा, मथुरा, अलीगढ़ के साथ ही मेरठ में भी आज चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़ में भी थमेगा सियासी शोर। तो तमाम दिग्गज आज शाम 6 बजे तक अपने पक्ष में माहौल तैयार करेंगे, लेकिन शाम 6 बजे यानी कि अब से ठीक 9 घंटे 57 मिनट बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। पहले दौर का अंतिम प्रचार युद्ध है। अलग अलग जगहों से हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे थे। क्या है सियासी हलचल? प्रत्याशियों के मन में जोश तो है, लेकिन जनता में कितना उत्साह है पहले फेज की वोटिंग के लिए, वो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कहां कहां पर चुनावी शोर आज थमेगा उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पहले चरण का सियासी शोर थमने जा रहा है। आज शाम 6 बजे खत्म होगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर में भी चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तो देखिए, 9 घंटे 57 मिनट के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले इस 9 घंटे के बीच में क्या सियासी हलचल है, क्या ग्राउंड से तस्वीरें है, वो तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। सीधे इस वक्त अनु का रुख करेंगे। अनु, क्या आपके पास बड़ी खबर है? बिल्कुल जया, किस तरह से चुनाव प्रचार आखिरी दौर का चल रहा है वो तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बड़ी खबरों से भी लगातार रूबरू करा रहे हैं। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज आजम खान की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज मामले पर सुनवाई करेगा, जहां जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी आजम खान की तरफ से, और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो जहां जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच इस मामले में सुनवाई करने जा रही है, जो अंतरिम याचिका लगाई गई थी आजम खान की तरफ से, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि वे चुनाव प्रचार के लिए चाहते हैं कि उन्हें रिहाई मिले, और इस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता इस मामले की जो करेंगे वो है जस्टिस एल नागेश्वर राव, उनके समक्ष ये याचिका आज रखी जाएगी और आज उस पर सुनवाई होगी। तो आज से 11 जिलों में सियासी शोर रुकने वाला है। जैसा कि आप घड़ी में देख सकते हैं कि जैसे जैसे घड़ी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रचार का वक्त भी कम होते जा रहा है।
9 घंटे 55 मिनट का समय बस बचा हुआ है जब चुनावी शोर थम जाएगा। इस तूफानी कवरेज में अब आपको दिखाते हैं कि इन 11 जिलों में कौन से सियासी सुरमा हुंकार भरने वाले हैं। जल्दी से आपको दिखाते हैं, ये देखिए तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी है, कौन कहां रह सकता है, कौन कहां रहेगा, क्या उसका कार्यक्रम है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं, योगी पहले चरण के लिए गौतम बुद्ध नगर में प्रचार करते हुए दिखेंगे, हालांकि वो बाद में दूसरे चरण के प्रचार के लिए मुरादाबाद पहुंचेंगे, अमरोहा भी उनका आज दौरा है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मेरठ के हस्तिनापुर, मथुरा और आगरा की खैरागढ़ विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। तो उधर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी आगरा के खैरागढ़ में प्रत्याशी रोहतान सिंह के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में गठबंधन उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र मथुरा और आगरा के फतेहपुर सिकरी में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो दूसरी तरफ भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी ताजनगरी आगरा में उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए कौन कहां पर रहेगा ये हमने आपको बताया, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी है, सीधे अनु का रुख करेंगे। बिल्कुल जया, प्रचार के अंतिम युद्ध पर एबीपी गंगा की तूफानी कवरेज के बीच मिल रही है एक बड़ी खबर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी आज भाजपा। लखनऊ में सुबह 10:30 बजे भाजपा जारी करने वाली है अपना संकल्प पत्र। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जारी करेंगे भाजपा का आज घोषणा पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 6 फरवरी को लता मंगेशकर के निधन की वजह से भाजपा ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया था, लेकिन अब मतदान से महज 2 दिन पहले यानी आज सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से पेश करती है और इस बार यूपी के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। आपको बता दें कि भाजपा अपने संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश के लिए बिजली बिल, किसानों और साथ ही युवाओं को रोजगार समेत कई बड़े वादे कर सकती है। तो आज 10:30 बजे इसका ऐलान हो जाएगा, लोक कल्याण संकल्प पत्र ये नाम दिया गया है, जिसमें बड़े वादे होंगे भाजपा के। यूपी चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र भाजपा अपना जारी करेगी। सुबह 10:30 बजे का समय है जब ये सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे एक मंच पर और यहां से ऐलान किया जाएगा कि किस क्षेत्र के लिए, किस वर्ग के लिए क्या कुछ किया जाएगा अगर एक बार फिर से जनता मौका देती है यहां भारतीय जनता पार्टी को। तो लोक कल्याण संकल्प पत्र आज जारी किया जाएगा। पहले 6 तारीख को इसे रिलीज किया जाना था, लेकिन आज ये जारी होगा। 2 दिन पहले ही घोषणा पत्र मतदान से पहले जारी कर रही है भाजपा। और यूपी चुनाव के लिए अब पहले चरण के लिए मात्र 2 दिन बचे हैं, उससे पहले जनता के सामने वो पूरा मसौदा रखा जाएगा, बताया जाएगा कि अगर फिर से मौका मिला तो क्या करने वाले हैं वे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। तो यूपी चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी भाजपा। सुबह 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है, संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जारी करेंगे भाजपा का घोषणा पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, अनुराग ठाकुर भी मौजूद होंगे, तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद होंगे। लोक कल्याण संकल्प पत्र इसे नाम दिया गया है और घोषणा पत्र जारी करने से पहले रिपोर्ट कार्ड भी सरकार का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रख दिया था। आज भी वो बताएंगे कि क्या बड़ी उपलब्धियां हैं और इसके बाद अगर 2022 के चुनाव जीतने के बाद मौका मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए किस तरीके से काम करेगी, ये तमाम बातें घोषणा पत्र में रखी जाएंगी। 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होने जा रहा है और संकल्प पत्र में कई बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बिजली बिल, किसान, रोजगार को लेकर बड़े वादे हो सकते हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 10:30 बजे का समय जब भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। बिल्कुल, ये संकल्प पत्र तो रखा ही जाएगा और इस बीच ग्राउंड से हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं और उनका भी रुख कर लेते हैं। सनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, सनोज जी, एक एक कर आपका रुख करेंगे। सबसे पहले वीरेश जी, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या माहौल बन रहा है, आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का आज।
देखिए आपने बताया कि तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के वो रणभूमि में उतर चुके हैं। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान सांसद केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के घर पर मौजूद हूं और वो कुछ देर में निकलने वाले हैं। जो यहां के प्रत्याशी हैं उनके प्रचार प्रसार में उनके जो समर्थक हैं वो घर पर आ चुके हैं और इन्हीं के साथ वो निकलेंगे। मैं आपको बताऊं 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां 6 की 6 सीटें जीत ली थी। आरएलडी के तमाम वर्चस्व के बाद, समाजवादी पार्टी दावे के बाद, कांग्रेस की घुसपैठ के बाद भी 6 की 6 सीटें मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान का जो संसदीय क्षेत्र है यहां से भारतीय जनता पार्टी की को मिला था। और ऐसे में संजीव बालियान लगातार कोशिश कर रहे हैं और एक एक घर में जा रहे हैं। वो सुबह जाते हैं और रात तक आते हैं। अपने प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी उन पर दी गई है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। और कुछ लोग हैं उनके घर पर जिनसे मैं बात करूंगा और बताऊं, भैया ये जो संजीव बालियान साहब हैं, पिछली बार तो 2017 में आप लोगों को 6 सीटें मिली थी, इस बार कितनी उम्मीद है? 6 की 6 मिलेंगी। 6 की 6 क्या कर दिया आप लोगों ने? योगी जी का काम, मोदी जी का काम, इसके ऊपर जनता का पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर जिले की 6 की 6 सीटें जीतेंगी। योगी जी का काम, मोदी जी का काम और विधायक जी का? विधायक जी का भी काम है, उन्होंने भी पूरा कुछ किया। हाँ, विधायक जी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। यस, विधायकों के खिलाफ बहुत आक्रोश है, तो आपको लगता है कि जो 17 में जीते थे वो सारे विधायक फिर जीत जाएंगे अपने काम के बदौलत? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। इसीलिए तो संजीव बालियान को सुबह से लेकर रात तक दौड़ना पड़ रहा है। संजीव बालियान जी का एक विजन है, उनके नेतृत्व में सभी विधायक सही काम करते हैं, सबके दुख सुख में शामिल हुए हैं। ये सब इनका प्रचार है यूनियन वालों का, इनका ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अपन मुजफ्फरनगर में घूम के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि पहले 17 से पहले क्या हाल था, आज क्या हाल है। देखिए इनका कहना है कि संजीव बालियान दुख सुख में जाते हैं, छोटी छोटी जो पर्व होते हैं वहां भी लोगों से मिलते हैं, उनके घर जाते हैं। ये उनका जो है सबसे बड़ा USP है। वो कुछ देर के अंदर अपने घर से निकलने वाले हैं। जो प्रत्याशी हैं उनके भी समर्थक आए हुए हैं, क्योंकि एक उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, उनके सांसद हैं, और वो जब निकलेंगे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जब वो वोट मांग रहे हैं तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और प्रभाव का ही नतीजा है जैसा कि भाई साहब ने कहा कि 6 की 6 सीट 2022 में भी हम जीतेंगे, पुनरावृत्ति होगी 2017 की। ये उनका कॉन्फिडेंस है और ये उनका विश्वास है। उम्मीद तो है, लेकिन 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो साफ करेंगे कि इस बार कितनी सीटें जनता दे रही है। सनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और बहुत कम वक्त अब बचा हुआ है, क्या तस्वीर ग्राउंड पर दिखाई दे रही है, क्या तैयारी दिखाई दे रही है? देखिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और मेरठ विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। देखिए पिछले अगर 2017 की बात करें तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था और ऐसे में मेरठ शहर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। साइकिल बहुत रफ्तार से आगे निकल गई थी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दिग्गज नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हराया था। वही शख्स हमारे साथ है, शहर विधायक रफीक अंसारी साहब। रफीक साहब ये बता दीजिए, बहुत साइकिल स्पीड से दौड़ी थी 2017 में, क्या इस बार उतनी ही स्पीड है या कुछ कम? उससे भी ज्यादा दौड़ेगी निश्चित रूप से कम 70,000 वोटों से निश्चित रूप से मैं जीतूंगा। इस वक्त तो पहले तो उनकी लहर थी, इस बार हमारी लहर है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तय है। पिछली बार तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, लेकिन इस बार उनके शिष्य हैं कमल दत्त, हैं बीजेपी से हैं, कह रहे हैं इस बार तो कमल खिलकर रहेगा, साइकिल के में तो हम पंचर कर देंगे। देखिए समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर लेके, सहारनपुर से लेके और बलिया तक पूरी लहर है और इस बार समाजवादी पार्टी की लहर है। कोई दुनिया की ताकत नोक नहीं सकती जो इनके किए हुए हैं बीजेपी के काम। यहाँ मौत, वहाँ मौत, सड़कों पर मौत, हाथों में मौत, तड़प तड़प के लोग मर गए, उसका सबको बदला चुकाना है, जनता लेना चाह रही है। और 2022 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। 7 में से 7 की 7 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। 7 जीतेंगे? 7 निश्चित रूप से, 7 की 7 समाजवादी पार्टी। भाई साहब आप बता दीजिए, आपके विधायक कह रहे हैं कि इस बार तो 7 जीतेंगे और शहर पे तो बिल्कुल साइकिल चलेगी, बिल्कुल लहर है जी समाजवादी पार्टी की और लोकदल की लहर है और किसान भी साथ देंगे हमारा। और ये आज मतलब महंगाई से और बेरोजगार से जनता परेशान है, ये तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, कोई छिपी हम भी देख रहे हैं। हाँ भाई साहब आप बताइए, आप आ जाइए, क्या लग रहा है विधायक ने कुछ काम करा आपके? 350 सीटें आ रही है, इंशाल्लाह के पूरी बहुमत से सरकार बनेगी। रफीक अंसारी जो है 75,000 वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह।
देखिए लोगों का जो इनके समर्थक है उनका कॉन्फिडेंस देखिए। देखिए मेरठ में 7 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 7 विधानसभा सीटों पर 6 पर बीजेपी का कब्जा तो है कि प्रत्याशी की मौजूदगी में ही उनका रिपोर्ट कार्ड बताया जा रहा है। क्या सोचते हैं पार्टी के बारे में, प्रत्याशी के बारे में, नेताओं के बारे में, और यही खासियत है उत्तर प्रदेश की जनता की कि वहीं के वहीं हिसाब हो जाएगा और 10 तारीख को इन 11 जिलों का हिसाब हो जाएगा। और 11 जिलों से रिपोर्टर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, सनु जी, आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। और आज प्रचार का शोर थमने वाला है, कितने घंटे बाकी हैं वो भी देख लीजिए। 8:20 का समय हो चुका है और 9 घंटे कुछ मिनट बस बाकी हैं। 9 घंटे 38 मिनट 38 सेकेंड, अब देखिए 36 सेकेंड ये हो चुका है। तो बस इतने समय के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और किस तरीके से आज हलचल रहने वाली है उस पर ये तूफानी कवरेज आप देख रहे हैं। लगातार सुबह 7 बजे से हमारे 11 जिलों में 11 रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं और ग्राउंड पर क्या तस्वीर है ये दिखाएंगे। और इस वक्त सीधे लिए चलते हैं, बलराम पांडे मेरे सहयोगी ने बात की है विजय पाल आरती से, देखते हैं। सदर विधानसभा जहां हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और प्रत्याशी विजय पाल आरती जी मौजूद है। सुबह 6 बजे से आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। कौन से मुद्दे हैं जो इस बार हावी हैं हापुर सदर विधानसभा में? योगी जी की सरकार ने लगातार 5 साल काम करा है, इतने विकास कार्य के काम कभी भी नहीं हुए जो इस 5 साल की सरकार में हुए हैं। आपने देखा होगा कि 1.5 साल कोरोना जैसी बीमारी होते हुए भी और 3.5 साल काम करने का मौका मिला, मगर विकास कार्य के काम नहीं रुके, लगातार विकास कार्य के काम हुए। बहुत लंबे समय से जिला अस्पताल की मांग चल रही थी, जिला अस्पताल बनवाने का काम योगी जी की सरकार में हमने करा। बहुत लंबे समय से हमारे गांवों को 4 को जोड़ती है सड़कें, जो 33 करोड़ रुपए की 17-17 करोड़ रुपए की सड़कें हैं, चौड़ीकरण सड़क बनवाने का काम योगी जी की सरकार में हुआ, कभी इतने काम नहीं हुए। हापुड़ में बहुत लंबे समय से नवोदय विद्यालय की मांग चल रही थी, योगी जी की सरकार में 100 बीघे जमीन में नवोदय विद्यालय बनना है। बहुत लंबे समय से आश्रम पद्धति का विद्यालय की मांग चल रही थी, जो 70 बीघे जमीन में विद्यालय बनना है। बहुत लंबे समय से स्टेडियम की मांग चल रही थी, मगर नहीं बन पाया, योगी जी की सरकार में 50 बीघे जमीन में स्टेडियम बन रहा है। विजय पाल जी, मोदी जी ने, योगी जी ने तो कई विकास कार्य किए, उन विकास कार्यों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन 5 साल आप भी विधायक रहे, आपने कौन से ऐसे विकास कार्य किए हैं जिससे हापुड़ सदर विधानसभा की जनता आपको मतदान में वोट करे? पहले अगर जो हम पूर्व के विधायकों की बातें करें तो 10 गांव से 11वें गांव में उन्होंने कभी भी काम नहीं करवाए। हमारी विधानसभा में 87-88 गांव हैं, पूरा शहर भी है, 88 के 88 गांव में एक भी गांव में ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे गांव के अंदर विकास कार्य के काम नहीं हुए। सब गांव के अंदर विकास कार्य के काम हुए, सब गांव में सड़कें बनी हैं। अच्छा ये बताइए कि आज आखिरी दिन है प्रचार का, डर लग रहा है कि नहीं कि जनता किसको चुनेगी? जनता हमें चुनेगी, आप देख रहे हो, जनता का श्री राम को चुनेगी जनता। आप